तो दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 45। फॉर रियल एक्स बी द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन 2x प्लस 4, ठीक है ना। और हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है कि एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन एक्स, और यूनियन है एक्स एक फॉर्म है जिसमें कि एक्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक पहला। दूसरा है एक्स इज लेस देन माइनस वन, थर्ड है एक्स इज ग्रेटर देन 3, और लास्ट ऑप्शन डी है आपका कहता है कि माइनस वन इज लेस देन एक्स माइनस सॉरी माइनस वन लेस देन एक्स माइनस लेस देन 3, ये इन्होंने कहा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है। सॉल्यूशन हमारे पास जो आएगा वो है हमारे पास, पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 4 आ गया यहाँ पर, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर ले लेते हैं, और प्लस 1 पहले से ही, और 4 भी अगर इधर हम ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 और इधर हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इधर हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 जो है आप मतलब अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। देखो पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हमने 2x को जो है इधर ले लिया, प्लस 1 माइनस 4 को भी इधर ले लिया, और माइनस 4 हो गया है इज इक्वल टू 0 सॉरी ग्रेटर देन 0। उसके बाद हमने इक्वेशन बनाई है ये वाली, और इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1। अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये किस तरह से हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसे सॉल्व होती है ये आपको पता होगा। अगर इतनी भी जानकारी में आपको समस्या आ रही है तो फिर टीजीटी सॉल्व करना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक एक बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लिए माइनस इसको 0, इधर से जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस 1, और यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल सॉरी ग्रेटर देन 0। अब देखो हमारे पास आ गया है x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो हमारे पास आएगी, कैसे आएगी देखो वैल्यू, एक बार आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, और जब आप x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर सीधी ही बात है, हमारे पास जो इंटरवल बन रहा है, देखो यहाँ जो कहा जाता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है उसको कौन सी टर्म्स सॉल्व कर सकती है, ठीक है ना। मेन चीज़ ये है कि कौन सी टर्म्स को सॉल्व कर सकती है। अब हमारे पास आते हैं दो सॉल्यूशन, एक तो आता है माइनस वन और एक आता है 3, ठीक है ना। अब इनके ऐसा नहीं है कि केवल ये दोनों हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जो इनको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से माइनस वन तक जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो इसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो हमारे वन से लेकर के, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ये वाला ब्रैकेट ले रहे हैं। ये वाला ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कहता है, ये जो ब्रैकेट है वो कहता है कि माइनस वन के अलावा, है ना, इसके माइनस वन के साथ के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इधर ये वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि 3 के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 3 और इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन सॉरी 3 ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस वन, और ये हो गया आपका माइनस वन से 3, और ये आज आपका आ जाता है 3 और इन्फिनेटिव, ठीक। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें बीच में लाई करता है 0। इसमें क्या लाई करता है, बीच में 0 लाई करता है, और 0 जो है वो इस सॉल्यूशन के लिए, अगर देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप 0 रखो, 0 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको यहाँ कर दो प्लस 1, ठीक है ना।
यहाँ पर हम देखते हैं ज़ीरो अगेन, तो यहाँ पर आ गया आपका 0 प्लस 4। ठीक, अब यहाँ पर आता है 1 ग्रेटर देन 4, तो ये तो कहीं से कहीं तक भी लाई नहीं करता, ठीक है ना, दूर से दूर तक भी लाई नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि -1 और 3 वाला जो एरिया है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, एक तो -1 से +1, सॉरी -1, और 3 से ∞ तक। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कहता है कि अगर हम इसको छोड़ दें, यानी कि -1 से बड़ा कोई भी नंबर, और सॉरी माइनस हाँ -1 से बड़ा कोई भी ऑप्शन, और साथ ही साथ +3 से, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से छोटी और +3 से बड़ी, कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पर क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक, इसका मतलब जो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है, यानी कि एक्स जो -1 से बड़ा है ये, और दूसरा एक्स जो कि 3 से सॉरी माइनस एक्स जो है -1 से छोटा है, और दूसरा एक्स जो है वो 3 से बड़ा है, वो यहाँ पर लाई करेगा किसके लिए, इस इक्वलिटी के लिए जो कि सॉल्व हो सकती है। ठीक, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, बाकी 2 ऑप्शन करेक्ट नहीं हो। पहला देखो, ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट होंगे नहीं कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि देखो हमें दोनों चीज़ों के बारे में बात करनी है, एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है। दूसरी बात ये, यहाँ जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि जो एक्स है वो -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा तो 0 भी होता है, और 0 को हम कह चुके हैं कि भाई यहाँ पर 0 जो है वो लाइन नहीं कर सकता है कहीं से कहीं तक भी, इसलिए 0 नहीं होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है उसके लिए हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए।